भाइयों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ केसीएच के साथ। मित्रों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के बाद में जो समय आया। द्विवेदी युग के बाद में जो समय आया था उस काल को क्या नाम दिया गया और ऐसे कौन से कवि हुए जिन्होंने उसे एक नई दिशा और एक नया आयाम दिलाया। बात करते द्विवेदी युग के बाद एक ऐसा समय आया था जिसमें जो कविताएं कही जा रही थी उनका अर्थ किसी दूसरे पर पड़ रहा था, यानी कही तो किसी अन्य उद्देश्य से जा रही थी और उनका अर्थ किसी दूसरे उद्देश्य से निकल रहा था। इसीलिए इस काल को नाम दे दिया गया छायावादी युग या छायावाद काल। क्या कह दिया गया? छायावादी युग या छायावाद काल। इसका समय था 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। इसके प्रवर्तक, यानी हम बात करें प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। छायावाद काल में कोई एक कवि ऐसा नहीं था जिसने छायावाद को एक नई दिशा दी। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, लेकिन इसके चार स्तंभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? चार स्तंभ। ये चार स्तंभ कौन थे? प्रसाद सबसे पहले, पंत, वर्मा, निराला। कौन थे? प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। क्लियर? प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, चार स्तंभ, यानी पूरा जो छायावाद था वो चार, उसके चार खंभे थे। चार खंभे इंपॉर्टेंट है, होते हैं एक पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में कवर कर लेते हैं, चारों दिशाओं में फैले रहते हैं। तो चार स्तंभ कौन थे? प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। तो हम बात करने जा रहे हैं छायावादी। समय, दोस्तों समय क्या था इसका? अभी हमने आपको बताया समय क्या था। समय बिल्कुल सही, वहीं से जहां से हमारा द्विवेदी काल समाप्त हुआ था, यानी 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी तक। प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, जयशंकर प्रसाद। प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन चार स्तंभ, जैसा हमने अभी आपको बताया, चार स्तंभ जिन्हें क्या कहा जाता था? चतुष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चतुष्ट। कौन कौन से थे? प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। ऐसा कोई पेपर नहीं होता है, चाहे यूपीएसआई का ले लो, चाहे टेट ले लो, चाहे सीटेट ले लो, चाहे हमारी सहायक भर्ती परीक्षा ले लो, ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जिनसे इनसे क्वेश्चन ना बने हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसाद। प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद। पंत, पंत, पंत कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी में, ध्यान से सुनना, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? पंत को मिला। अभी हाल में ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सहायक भर्ती परीक्षा में इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस कहके एक नंबर दे दिया गया, एक्स्ट्रा नंबर, कॉमन नंबर सबको दिया गया मित्रों, जबकि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस का था ही नहीं। तो पंत कौन थे? जैसा हमने अभी बताया, पंत हिंदी में प्रथम, हिंदी में ज्ञानपीठ, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि, दूसरे माने जाते हैं, शंकर कुरूप जी को माना जाता है।
हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत। वर्मा, वर्मा इनका पूरा नाम महादेवी वर्मा। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवित्री महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पार्टी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा गया। दोस्तों जब से निराला जी का जन्म हुआ तब से लेकर और अंतिम क्षण तक यानी मृत्यु तक इनका जीवन अत्यंत कष्ट से भरा रहा, जिस कारण इन्हें क्रांतिकारी कवि या दुखी आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता रहा। तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद प्रवर्तक छायावादी युग के पंत, ज्ञान प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत, वर्मा हिंदी की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवित्री, निराला दुखी आत्मा क्रांतिकारी कवि जिन्हें कहा जाता है निराला जी को। तो ये था। अब हम बात करने जा रहे हैं छायावादी, छायावाद के भाव। जो हमारा छायावाद काल था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। यानी जो छायावाद काल था वो दो प्रमुख भाग में था। उसमें एक तरफ तो ऐसे कवि थे जो राष्ट्र पर अपनी कविताएं लिख रहे थे, तो उन्हें नाम दिया गया था राष्ट्रवादी कवि। क्या कहा गया था? राष्ट्रवादी कवि। यानी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण राष्ट्रवादी कवि कहलाए। दूसरे थे हमारे छायावादी कवि, जिन्हें प्रमुख रूप से नाम हम देख सकते हैं प्रसाद पंत, वर्मा, निराला थे। छायावादी कवि कौन थे? अभी हमने आपको बताया प्रसाद पंत वर्मा। रचनाएं इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस है, इन सभी पे बात करेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रवादी कवि, तो इसमें प्रमुख रूप से नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा नाम आता है सुभद्रा कुमारी चौहान। श्याम नारायण पांडे। माखनलाल चतुर्वेदी, क्वेश्चन ये भी बन चुका है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, किसको दिया गया? तो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिंद तरंगिणी पर 1955 में। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी राष्ट्रवादी कवि थी, यानी राष्ट्र से सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी राष्ट्र से मतलब राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं करती रही थी। जो बात करते हैं एक कवि के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसाद। उन्हीं कृतियों पर बात करेंगे जिनसे बार बार क्वेश्चन भी बने हैं और बनने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले प्रसाद कौन थे? छायावाद के प्रवर्तक। प्रसाद जी की रचनाएं आंसू, झरना, लहर,
इसके अलावा इनकी रचना थी उर्वशी। पहली काव्य गति इनकी उर्वशी ही थी, पहली काव्य गति उर्वशी। तो इनकी प्रमुख रचना आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, उर्वशी। कामायनी, कामायनी इनका महाकाव्य थी। कामायनी क्या थी? महाकाव्य। कामायनी में तीन नायिकाएं थी, कौन? मनु, श्रद्धा और इड़ा। मनु, श्रद्धा और इड़ा। तो ये थे प्रसाद। प्रसाद के बाद नेक्स्ट नाम आता है पंत जी का। नेक्स्ट नाम किसका आता है? पंत जी का। पंत की रचना है, जैसे हमने आपको बताया था, वीणा, गुंजन, वीणा, गुंजन, लोकायतन, युगवाणी, युवांग, चिदंबरा। युगवाणी, युगांग, चिदंबरा। युगवाणी, युगांग, चिदंबरा। इनकी प्रमुख रचना युगवाणी, युगांग और चिदंबरा। तो पंद्रह वीणा, गुंजन, लोकायतन, पल्लव, इसके साथ साथ कला और बूढ़ा चांग। कला और बूढ़ा चांग, कला और बूढ़ा चांग पर इनको, पंत जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट नाम आता प्रसाद पंत वर्मा। वर्मा महादेवी वर्मा। वर्मा जी ने क्या लिखा? रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीर, 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 दीपशिखा। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है यामा। कौन सी रचना है? यामा। यामा पर क्या मिला? ज्ञानपीठ। क्या मिला? ज्ञानपीठ। क्लियर? तो रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगी, दीपशिखा और यामा। क्लियर? प्रसाद पंत वर्मा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नंबर आता है निराला जी का। नेक्स्ट नंबर निराला जी का। निराला जी ने क्या लिखा? अनाम। इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अनामिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अड़िमा, आराधना, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, आराधना, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा,
मित्रों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राम की शक्ति पूजा तुलसीदास, क्योंकि राम की शक्ति पूजा में अधिकांशतः लोग तुलसीदास कर देते हैं, तो राम की शक्ति पूजा तुलसीदास और गोबरमुक्ता, ये थी निराला जी की। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, राष्ट्रवादी कवि आगे बात करते हैं, राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादी कवि में मुख्य रूप से नाम आता है माखन लाल चतुर्वेदी, किसका नाम आता है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं थी हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी और इसके साथ ही साथ पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ये तो पोएम पढ़ी होगी, पढ़ी होगी सभी ने। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, किसमें पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट वीरों का कैसा हो वसन, वीरों का कैसा हो वसन। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सिर्फ छायावाद काल की, उसका कारण है ज्ञानपीठ। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत जी को, उसको मिला था पंत को, कब मिला था 1962 में, कब मिला था 1962 में, सॉरी 1962 में, किस पर मिला था चिदंबरा पे, क्लियर। पंत को 1962 में चिदंबरा पे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है दिनकर का, इसका आता है दिनकर का। अब हम कैसे याद रखेंगे कि दिनकर को कब मिला, तो दिनकर को 1978 में मिला, किस पर, उर्वशी पर, किस पर मिला था, उर्वशी पर मिला था दिनकर को। नेक्स्ट नाम आता है अज्ञेय, किसका आता है अज्ञेय का, अज्ञेय को कब मिला, जस्ट इससे 10 वर्ष बाद यानी 1972, किस पर, कितनी नावों में कितनी बार, किस पर मिला था, कितनी नावों में कितनी बार। अब नेक्स्ट आता है यानी 1978 से 10 वर्ष बाद समय क्या रहा होगा 1968 में मिला, किस पर, चिदंबरा पर, किस पर मिला था, चिदंबरा पे। फिर इसके बाद दूसरा मिला है दिनकर जी को, दूसरा ने कहने का मतलब यह है कि इसके बाद छायावाद काल में दिनकर को मिला, कब मिला था 1972 में, कब मिला 1972 में, रचना उर्वशी, रचना कौन सी थी, उर्वशी। आप पंत जी
राष्ट्रपति को कब मिला? 1968। उसके जस्ट 10 वर्ष बाद ये समय क्या रहा होगा? 1978। 1978 में किसे मिला? अज्ञेय को। हालांकि अज्ञेय इस काल से रिलेटेड नहीं है, अज्ञेय है छायावाद उत्तरकाल के। कब के हैं? छायावाद उत्तर। लेकिन हम यहाँ आपको याद कराना चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको बताया 1978 में किस पर मिला, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मीराबाई, सॉरी नेक्स्ट आती है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट महादेवी वर्मा, वर्मा जी को मिला कब? 1972 से 10 वर्ष बाद। इस समय क्या रहा होगा? 1982। किस पर? यामा पर। किस पर मिला? यामा पर मिला। अब कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला था? 1955 में। किस पर मिला था? तो किस पर मिला था? हेम तरंगिनी। किस पर मिला था? हेम तरंगिनी। अब बात करते हैं पंत जी एक ऐसे कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1960 में। किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद। किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। अब देखो याद करने की कितनी अच्छी जुगाड़। पंत से एक वर्ष पहले किसको मिला? अज्ञेय को मिला। किसको मिला? अज्ञेय को मिला। सॉरी, एक वर्ष पहले दिनकर को मिला। दिनकर को मिला। किस पर मिला था? संस्कृति के चार अध्याय। किस पर मिला था? संस्कृति के चार अध्याय। 1959 में संस्कृति के चार अध्याय। इससे एक वर्ष पहले यानी समय क्या रहा होगा? 1958 में किसको मिला? राहुल। जी हाँ, वही राहुल शंकरात्यायन। किस पर मिला? मध्य एशिया का इतिहास। किस पर मिला? मध्य एशिया का इतिहास। तो ये था मित्रों हमारा छायावाद काल, जिसको जिसको छायावाद काल को द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता। हमेशा याद रखना, छायावाद काल को लिख लीजिए आप, छायावाद काल को क्या कहा जाता है? छायावाद काल क्या कहा जाता है? द्वितीय स्वर्ण काल। कारण कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा रचनाएं हुई थी भक्ति काल में। क्या कहा गया? स्वर्ण काल, प्रथम स्वर्ण काल। इसके बाद जो सबसे ज्यादा साहित्य सृजन हुआ था वो हुआ था हमारा छायावाद काल में, इसीलिए इसे कहा गया द्वितीय स्वर्ण काल। ठीक मित्रों, तो आगे आने वाले समय में आपकी छायावाद उत्तर काल पर क्लास होगी। जय हिंद दोस्तों।